मान लो एक कोई भी पेरेंट्स यहाँ वैदिकन में बच्चे को छोड़ दे जी, तो उसको वो किस बेस के ऊपर आप वो यहाँ आकर के कोई भी पेरेंट्स किस बेस पे ये आप बताते हो उसको कि आपका बच्चा ये पढ़ रहा है, ये इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, इतने बजे सोता है, मतलब उसका रूटीन का कोई रिकॉर्ड आपके पास रखते हो आप? बिल्कुल सर, उसका हर एक रिकॉर्ड हमारे पास में होता है। जैसे अभी ये मैडम सारा का सारा टेस्ट का स्कोर चेक कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर हर बच्चे का अपना रीजनिंग का सेक्शन देखूंगा, राहुल सर अपना मैथ्स का देखते हैं, मैम इंग्लिश का चेक करते हैं पर्टिकुलर बच्चे की क्या कमजोर है। दूसरी सिस्टम में हमारी सबसे ज़्यादा पकड़ जो है उसकी अटेंडेंस पे रहती है। अटेंडेंस हम एक एक मिनट का ही बता सकते हैं, बच्चे ने 8:09 पर एंट्री करी है, 8:10 पर एंट्री करी है, घर कितने बजे गया, एक एक मिनट का बकायदा डेट वाइज दिन में 3 बार अटेंडेंस होती है, जो उसके अंदर बकायदा एक एक मिनट का टाइम रिकॉर्ड होता है। पेरेंट्स कभी भी आए कभी भी चेक करें, हम बिल्कुल फेयर यहाँ पर आपको सब चीज़ें पेरेंट्स को दे देते हैं और हर तारीख के अनुसार जिस दिन जो टेस्ट हुआ उसका स्कोर ईमानदारी से बिना नकल करवाए वहाँ पे बच्चे की और ईमानदारी से उसका क्या स्कोर है, वो कितनी ग्रोथ कर रहा है, कितनी नहीं कर पा रहा है, वो उस बकायदा हर एक की हमारी फाइल बनी हुई होती है हर बच्चे की। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, किसी भी बच्चे की आप फाइल देख लीजिए, ये मैडम के पास में है, ये जिसकी भी बच्चे की फाइल है शाम नाम से, इसके मंथली रिकॉर्ड मतलब मंथली जो है सारी की सारी उसकी शीट्स उसके रिकॉर्ड यहाँ पे उसके स्कोर हैं बकायदा दिन वाइज डेली तारीख वाइज उसका जो है टेस्ट का रिकॉर्ड होता है किस दिन कौन सा टेस्ट हुआ और उसकी अटेंडेंस मतलब एक एक दिन की अटेंडेंस सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब एक एक टाइम की अटेंडेंस उसकी दिखा दी जाती है और जिस टाइम वो लेट होता है किस टाइम पे एंट्री हुई वो सारी चीज़ें। और ये एक महीने की नहीं मतलब जब से बच्चे ने ज्वाइन किया तब से लेके अब तक जब तक लास्ट तक है बच्चा तब तक ये सारी चीज़ें कर दी जाती है, वो पेरेंट्स को दिखा दी जाती है।